यहाँ पर इससे आगे एक जगह पे इन्होंने एक मस्जिद बनाई थी। असल में वो मस्जिद नहीं थी बल्कि एक साजिश थी जिसका नाम है मस्जिद जिरा। जिरा माने तकलीफ पहुंचाना, मारना। तो इन लोगों ने ये सोचा था दुश्मनों ने कि जब अल्लाह के रसूल साहब जब यहाँ पे तशरीफ लाएंगे हम मस्जिद में जाएंगे हम उनके पास छत गिरा देंगे, यानी ये तकलीफ पहुंचाने की नीयत इन लोगों ने किया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ये पैगाम आया कि मेरे हबीब यहाँ पे नहीं बल्कि इसके मुकाबले में एक मस्जिद बनाओ। इस्लाम की बुनियाद तकवे की बुनियाद पर जो सबसे पहली मस्जिद बनाई गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इस मस्जिद की बुनियाद रखी है। आज अगर दुनिया के अंदर हम लोग कभी मस्जिद मदरसों के मुहतमिम होते हैं, कुछ खिदमत करने का मौका मिलता है तो बड़े एक फख्र करते हैं कि भाई हमने इस मस्जिद में काम किया है, मस्जिद की खिदमत किया है। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज उस मस्जिद में हमें दो गाना नमाज अदा करने का मौका नसीब हो रहा है। जिस हाथों की जिस मस्जिद बुनियाद अल्लाह के रसूल जब पत्थर लाते थे ना, पत्थरों की बोझ की वजह से सरकार की कमर मुबारक झुक जाया करती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे हबीब लमस्जिद उस्सिसत तक्वा, जो कुरान में फरमा है कि तकवे की बुनियाद पर जो पहली मस्जिद बनाई गई इस मस्जिद कुबा का नाम जिसका जिक्र कुरान में है लमस्जिद उस्सिसत तक्वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कुन तकूम फी, यानी पहले ही दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बुनियाद तकवी की बिना पर रखी गई। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला ने यहाँ पे 14 दिन कयाम फरमाया। कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन में कितने जुमे आते हैं? दो जुमे आएंगे ना। सरकार ने यहाँ पर एक भी जुमा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए कि अभी जुमा फर्ज हुआ नहीं था। इस्लाम में जुमा जो फर्ज हुआ सन हिजरी 2 के बाद, सन हिजरी 2 में जुमा फर्ज हुआ। जो इंशाल्लाह रास्ते में चलेंगे मस्जिद आएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो सरकार यहाँ 14 दिन कयाम फरमाए। यहाँ से कयाम फरमाने के बाद सरकार जब मदीने में गए तो तमाम लोगों की ये तमन्ना थी कि या रसूलल्लाह हमारे घर कयाम फरमाए, या रसूलल्लाह हमारे घर कयाम फरमाए। सरकार ने सोचा कि अगर मैं अपनी मर्जी से जाऊँ किसी के घर कयाम करूंगा तो एक दूसरे का दिल दुखेगा कि मेरे घर नहीं आए इनके घर गए। सरकार ने फरमाया ये फैसला मैं अपनी उतनी पे छोड़ता हूँ, मेरी उतनी जहाँ पे जाके बैठेगी मैं उसके घर कयाम करूंगा। तो ये मुकद्दर किसका जगह? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो सरकार ने यहाँ पे 14 दिन कयाम फरमाने के बाद जब मदीने में तशरीफ ले गए तो एक जगह जो वहाँ पे सरकार का इस्तकबाल किया गया था, सरकार का जो कि वहाँ पे मदीने में वेलकम किया, बनू नज्जार की छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पे जो सरकार का दब बजा करके तालाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाह दाई की ये सदाएं लगा करके सरकार का इस्तकबाल किया। और वो बनू नज्जार, नज्जार मानी इंग्लिश में कारपेंटर, जो कलर पेंट करते कारपेंटर की जो बच्चियाँ थी वो बच्चियाँ पहाड़ पे खड़े होकर के दब बजा करके सरकार का इस्तकबाल करती थी। और ये क्या कहती थी? हम हैं बच्चियाँ नज्जार के आली घराने की, हम हैं बच्चियाँ नज्जार के आली घराने की और खुशी है हमें ना के लाल के तशरीफ लाने। ये कहकर के सरकार का इस्तकबाल किया। अब सरकार जब यहाँ से चले तो रास्ते में एक जगह है जहाँ पे मस्जिद जुमा बनी, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह आपने कबीला बनू सुलेम में कुबा बस्ती में 14 दिन कयाम फरमाया, एक दिन हमारे घर भी तो मेहमान बन जाए ताकि जन्नत भी हमारे घर पे फख्र करे कि अल्लाह का हबीब फलाने के घर में बैठा है। सरकार ने वहाँ पे कयाम फरमाया, वो जुमा का दिन था तो जुमा फर्ज वहाँ पे हुआ था, जुमा की फर्जियत और सूरह जुमा भी वहाँ पे नाजिल हुआ था। इंशाल्लाह वो जगह भी रास्ते में आएगी तो मैं दिखाऊंगा। अब सरकार जब यहाँ से मदीने चले गए तो सरकार के जो घर वाले थे इन्होंने सोचा, अजवाज मुताहिरात ने और सहाबा किराम ने कि या रसूलल्लाह हमारे कुछ घर वाले, हमारे कुछ भाई लोग मक्के में रह गए हैं जो खाने काबा का तवाफ करेंगे, मोहब्बत की नजरों से खाने काबा को देखेंगे, उमरा भी करेंगे, यानी वहाँ पे एक उम्रे का सवाब 1 लाख उम्रे का सवाब होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ना अपने हबीब से बल्कि अपने हबीब के घर वालों से भी इतना प्यार था, वो गमजदा हो रहे थे क्योंकि मक्का छोड़ा, अल्लाह का प्यारा घर छोड़ा, सरकार ने अपना आबा अजदाद का वतन छोड़ा, तो जब यहाँ पे आए आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उमरा करने के लिए आए हैं। तो लाखों रुपया खर्च करके उमरे के लिए आए हैं लेकिन कोई गारंटी है कि हमारा उमरा कबूल होगा? हमें दुआ करनी है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ला तक्तु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की बारगाह से ना उम्मीद ना होना, ना उम्मीद कुफ्र है, लेकिन उसके लिए हमें मकबूलियत की दुआ करनी है। तो सरकार के जो अजवा थे, आपके घर वाले थे, ये सोच रहे थे हम तो खुदा का घर छोड़ आए, अब कब उमरा नसीब होगा? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हुई, मेरे हबीब अपने घर वालों से कह दो जो हर हफ्ते मदीने से वुजू करके मस्जिद कुबा में आकर के
दो रकात नमाज अदा करेगा, अल्लाह उसे मकबूल उम्र का सवाब अता फरमाएगा। कौन सा उमरा मकबूल? जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जगह नसीब हुई है। आज हमें अभी भी और भी हमारे पास बहुत सारे दिन है, आप दोपहर में, सुबह में, शाम में, रात में, जब भी आपको मौका मिले। शर्त क्या है? मदीने से पाक साफ होकर के वुजू करके आना है और दो रकात। आप एक साथ में 100 रकात भी नमाज पढ़ोगे, एक ही उम्रे का सवाब मिलेगा। आप मदीने जाएं, रोजाना आपके पास वक्त है, वहां से लाखों रुपया खर्च करके आए, यहाँ पे 10 रियाल में आना जाना आपका हो जाएगा। पैदल भी आप आ सकते हैं, जो मजबूत लोग हैं 20-25 मिनट पैदल में लगता है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह 2 रकात नमाज उम्रे की नियत से अदा करेंगे। तहियतुल मस्जिद पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में कुल अल्लाहु अहद, ये अफजल है। उसके अलावा कोई भी आप सूरत पढ़ें इंशाल्लाह कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कि रब्बे करीम हमारी इस नियतों को अपनी बारगाह में कबूल करें। हम यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी जो जो भी ज्यारत कर रहे हैं, जो हमारे आका की निस्बत की बिना पर ज्यारत कर रहे हैं, अल्लाह वहाँ के हम तमाम को बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मदीने की बहार हमें नसीब फरमाए। या अल्लाह हम तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला उसके दरबार में आए हैं, ये रहमतुल्लिल आलमीन का दरबार है मेरे मौला। आज तक यहाँ से कोई मायूस नहीं गया मेरे मौला, हमारी काली जोड़ियों को भी भर दे मेरे मौला। दिल का दुखरा सुनाने तुझे आए हैं, करीबुल वतन है, जिंदगी पर गुनाह करके आए तेरी चौखट पे मेरे मौला। तेरे हबीब के सदके में, तेरे हबीब के दयार में जमा जम रहमतों की बारिश बरसती हुई देख रहे हैं मेरे मौला। इन बारिशों का छिटा हमें भी नसीब फरमा मेरे मौला, तेरे हबीब के दयार की बरकतें में नसीब फरमा। हम तमाम की हाजिर को तेरी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो बीमार ने शिफा अता फरमा, या अल्लाह जो बेरोजगार ने रिज़्क़ हलाल अता फरमा, या अल्लाह जो कर्ज़दार न कर्ज़ से छुटकारा अता फरमा, या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक साल औलाद अता फरमा, औलाद नरीना अता फरमा मेरे मौला। रब्बे करीम जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, जवान बेटे हैं, उन्हें नेक साले रिश्ते नसीब फरमा मेरे मौला। हमारे बच्चे बच्चियों का नसीबा बुलंद फरमा दे, हमारे बाप